15 मार्च से कर्म फल दाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किनके कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किनको करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किनकी बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किनका करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, महादेव की नगरी हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन कविता जी आपको। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है शनि का नक्षत्र परिवर्तन। होली के तुरंत बाद 15 मार्च को शनि नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र से सीधा शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के यानी कि अपने मित्र राशि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और 15 मार्च से ये शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि एक लंबा समय है शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का। और ऐसे में ये समय खास तौर पे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि आप पर अब शनि की ढैया चल रही है और ऐसे में नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा इस समय, क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है, आपकी जीवन में कितना बड़ा बदलाव ये नक्षत्र परिवर्तन लेकर आएगा, ये तो जानेंगे ही जानेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 22 मार्च से होली के तुरंत बाद ना सिर्फ हिंदू नववर्ष नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है, बल्कि चैत्र नवरात्र भी लग जाएंगे। शक्ति का ये महापर्व जिसमें हर कोई अपने अपने तरीके से शक्ति की उपासना कर उनकी कृपा पाने की कोशिश करता है, और ऐसे में अनुष्ठान के जरिए कैसे आप अपने जीवन में खुशहाली, तरक्की और खुशियां ला सकते हैं, ये जान लेते हैं सबसे पहले आचार्य जी से। बताइए जी। बिल्कुल कविता जी, देखिए हम सब शहरी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उलझ करके, व्यस्तता के बीच उलझ करके हम नित्य अब पूजन आयोजन नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इस शक्ति के महापर्व पर, इस 9 दिन नवरात्रि के अवसर पर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं महाशक्ति अनुष्ठान। महाशक्ति अनुष्ठान में हम माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के हर दिवस में, जो जिस तिथि में जिस दिवस में हम रहेंगे उस रूप के मंत्रों के साथ, बीज मंत्रों के साथ कील करके सप्तशती का पाठ होगा, और साथ ही साथ कुछ विशेष मंत्रों का, जैसे शत्रुविनाश के लिए बगलामुखी मंत्र है, प्रत्यंगिरा मंत्र है, दमन के लिए, रक्षा के लिए भी प्रत्यंगिरा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हर तरीके के, हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अगर आप कोई राजनीतिक लक्ष्य या कोई आर्थिक लक्ष्य लेकर के या पारिवारिक रूप से कोई लक्ष्य रख करके उद्देश्य से कराना चाहते हैं, संकल्प लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके कुंडली, आपके राशि के अनुसार संकल्प कराया जाएगा और उसी के अनुसार मंत्र जाप और आहुतियाँ दी जाएंगी। तो आप भी इस हिस्सा बनिए, इस शक्ति अनुष्ठान का, शक्ति अर्जित करिए, आनंद लीजिए इस तप के समय का, इस नवरात्रि का। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए, वृश्चिक के लिए कितना सकारात्मक और नकारात्मक रह सकता है। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल की यह राशि है, और वृश्चिक के ऊपर शनिदेव या तो कृपा करते हैं, राजा बनाते हैं। राजा कैसे बनाते हैं कि अगर शनिदेव कुंडली में लाभ के स्थान पर हैं, बड़े शुभता के साथ बैठे हुए हैं और ग्रहों की भी शुभ दृष्टि बन रही है, वह केस जो है, वह कुंडली, वह जातक बड़ा रेयर मिलता है कविता जी। और उसके साथ ही ज्यादातर समय देखा जाता है कि शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव ही वृश्चिक राशि के लोगों को भुगतना पड़ता है। यही एक कारण है कि जो लोग उदाहरण देते हैं कि नरेंद्र मोदी 7.5 में वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के होते हुए भी राजा बने हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप भी मोदी जैसी कुंडली के लेकर जन्मे हो, आप भी शनि शुक्र का जो है कर्म स्थान पर शत्रुहंता योग लेकर जन्मे हो, तो आप गणना मत कीजिएगा। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन आपको संभलने की सलाह दी जाती है, डरने की सलाह दी जाती है। डर क्यों? देखिए कविता जी, लोग कहते हैं कि डराया मत करिए, जबकि धर्म और शास्त्र दोनों कहते हैं जब तक आपके मन में भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तब तक आप अध्यात्म की तरफ रुझाव करेंगे ही कैसे।
जब तक आपके मन में कोई अभाव नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, तब तक आप ईश्वर को समर्पण हो ही नहीं पाएंगे। कितना भी होगा, तब तक आप गलत कार्य करने से खुद एकदम नहीं रोक पाएंगे और सुधार नहीं करेंगे। तो डरने का समय है, संभलने का समय है, विशेष करके वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो थोड़ा सा इस गोचर काल में अपने आप को संभाल लीजिएगा तो आप बच जाएंगे। कविता जी, चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपकी सेहत को लेकर, कैसा रहेगा ये समय इनके लिए। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए खुद के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं इस नक्षत्र परिवर्तन काल में, 15 मार्च से 15 अक्टूबर तक। और साथ ही साथ अगर आपकी संतान है और किसी बीमारी से परेशान है तो उसको भी ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आ सकती है, या फिर बड़ा दुर्घटना इत्यादि भी, जहां की ब्लड का निकलना, ब्लड का रिसाव होना इत्यादि का संकेत देता है। तो थोड़ा सा वाहन इत्यादि भी इस काल में संभल कर चलाइएगा। वैसे भी ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं आप, और दूसरा अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सजग रहिएगा। ब्लड संबंधी, रक्त संबंधी दिक्कत या रक्त का प्रवाह होना इत्यादि की समस्या आ जाएगी। रिश्तों के मामले में ये समय इनके लिए कैसा बीतेगा? देखिए, रिश्तों के लिहाज से यह समय जो है, बहुत दिनों बाद फिर से, बीच में एक समय काल आया था जो थोड़ा सा सुधार लाया था इनके लिए, लेकिन अब आने वाला समय जो है, यह नक्षत्र का गोचर जो है, वह फिर से तनाव, तकरार और किसी तीसरे का जीवन में प्रवेश करने की वजह से, या किसी तीसरे की वजह से आपके जीवन में जो है, वह विशेष करके कानूनी पेचीदा इत्यादि चीजें होना, वाद विवाद का होना, संबंध में अलगाववाद तक स्थिति ले जाने का समय यह दर्शाता है। तो वाणी भाव को, अपने क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में जाकर शनि आपको गलत बल देगा और आपको झुकने नहीं देगा। और जब तक कोई झुकेगा नहीं, जब तक झुकने की कला आपके अंदर आएगी नहीं, तब तक आनंद जीवन का आप नहीं ले पाएंगे। अगर बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर, काम कारोबार को लेकर, तो ये समय इनके काम कारोबार के लिए कितना उन्नति भरा रहने वाला है? देखिए, कार्य क्षेत्र में बहुत दिनों बाद आप अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से भी और नौकरी पेशा दोनों दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह कालखंड जो है गोचर का, यह बड़ा ही शुभकारी रहने वाला है। व्यापार में लगातार घाटा उठाते हुए अब आप एक बार लाभ की स्थिति में आएंगे। और पिछले 2 से 2.5 वर्षों में आप 2020 के बाद से देखा जाए, जब गोचर हुआ है जनवरी में 2020 में, उसके बाद से जो स्थिति है शनिदेव के प्रभाव की आपकी राशि पर, वह आपको कर्ज में ले गई है। कमाया तो है आपने, लेकिन जितना कमाया है उससे कई गुना आप कर्ज में गए हैं, जो कि आपके लिए एक अब संभलने की स्थिति में आने की जरूरत है। अब अपने कर्ज पर नियंत्रण करिए और उसको आप समाप्त करने के लिए सोचिए, नहीं तो अगर इस काल में भी आप कर्ज को बढ़ावा देते हैं तो आपके लिए, आपके व्यापार में, आपके नौकरी पेशा जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चलिए जाते जाते आर्थिक पक्ष क्या कहते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से यह कालखंड जो रहने वाला है, विशेष करके शनि की दृष्टियों की वजह से, और शनि अपने घर में विराजमान है, तो यह जो गोचर काल है नक्षत्र का, यह आर्थिक कमजोरी देगा, व्यर्थ के कुछ खर्चे कराएगा, मेडिकल पर व्यय कराएगा, और साथ ही साथ अपव्यय होने की वजह से आर्थिक पक्ष जो, आर्थिक पहलू जो है, वह कमजोर होगा आपका। चलिए बस जाते जाते क्या कुछ है शनि से जुड़े इनके लिए उपाय? देखिए, मंगल की राशि है आप, और विशेष रूप से शनि मंगल जो है वह स्वास्थ्य और शारीरिक क्षय कराता है। तो आपको उस चीजों से मुक्ति के लिए सबसे बड़ा प्रयोग करना है, क्या करना है आपको, चमेली का तेल ले लीजिएगा और पीला सिंदूर, और ले जा करके चाहे हनुमान मंदिर में, चाहे अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति हो मेटल की कोई, उस पर आप लेपन करिएगा, चढ़ाइएगा, और वहीं पर बैठ कर आप ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। और इस मंत्र का पाठ करने से पहले, कहते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा तरीका है श्री राम जानकी की वंदना, क्योंकि वह भक्त शिरोमणि हैं और उनके लिए श्री रामचंद्र जी प्रथम वंदनीय है। तो कभी भी सीधा हनुमान उपासना मत किया करिएगा। आप जब भी हनुमान उपासना करने जाएं तो आप कुछ देर पहले ओम राम रामाय नमः
इस मंत्र का जाप करिए या सीधा परम भक्त जो हैं लोग और कहते हैं कि श्री राम के नाम में ही महाशक्ति है, तो सीताराम सीताराम का भी पाठ करके आप इस हनुमान मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपके जीवन में शुभता आएगी। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।